हेलो एवरीवन, नेक्स्ट जो आर्टिकल हम देखने वाले हैं वो है बिजनेस स्टैंडर्ड का। ये कहते हैं कि वर्क फ्रॉम होम का चलन क्या स्थायी होने वाला है, अभी क्वेश्चन मार्क भी लगा है। मतलब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम का जो चलन है क्या ये परमानेंट हो सकता है। ये आर्टिकल लिखा है मेयर शर्मा ने, और उनका ये मानना है कि जो दुनिया भर की जितने भी अर्थव्यवस्था है उसको हम खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं को ये तय करना है कि कोविड महामारी का जो प्रकोप है वो ख़त्म होने के बाद जो वर्क फोर्स है वो अपने अपने जो वर्किंग प्लेस है उसका जो स्वरूप है वो कैसा होगा, वर्क फोर्स वहाँ पर कैसे काम कर पाएंगी, और कैसे आप ऐसा वातावरण क्रिएट कर पाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करते करते वापस से जो कार्य है वो पटरी पर आ जाए। लेकिन अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना इतना आसान तो है नहीं। जो छोटे कारोबारी हैं वो नए जो प्रयोग है एक्सपेरिमेंट्स करने हैं उनकी स्थिति में तो नहीं है। अब कर्मचारी के पास अगर हम देखें तो प्राइवेट लेवल पे अपनी पसंद लागू कराने की ताकत नहीं है अभी प्रेजेंट सिचुएशन में, और सरकारों के पास भी जो सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर प्रतिबंध लगाने या नए पेशे के जो नियमित है उनके लिए एक बाउंड्रीज बनानी है, स्ट्रक्चर बनानी जैसे तमाम काम उनको करने होंगे। अगर ऐसी स्थिति में देखा जाए तो बड़े बड़े ऑफिस हैं या वर्क फोर्स है ऐसी कंपनीज को ही जो काम काज से जुड़े जो भी मानक है या बाउंड्रीज है उनको तय करने की आवश्यकता होगी। अगर हम देखा जाए तो कोरोना वायरस के कारण से जो भी लॉसेस हुए हैं तो उसके कारण जो प्रोडक्टिविटी है कहीं ना कहीं उस पर बुरी तरीके से असर पड़ा है। यानी कि देखिए, जैसे कि भारत में जो बॉन्ड बाज़ार है, बॉन्ड मार्केट है, उसमें अगर वॉल्यूम के मामले में देखा जाए तो सीमित हो गए हैं। मतलब बॉन्ड्स जो है उनकी खरीदी बिक्री है वो कम हो गई है। तो बाज़ार के ये या मार्केट के ये अहम अगर मान लीजिए तो ये संकेत हमको देखने को मिलते हैं। अब जो कारोबारी है उनके मन में ये संदेह है कि RBI ने जो इंटरफेयर किया है इस समय तो इसके कारण से जो नया वर्क फ्रॉम होम वाली जो सिचुएशन आई है तो कहीं ना कहीं उसी का भी योगदान इसमें देखा जा सकता है। और इसी दौरान लॉकडाउन के समय में जो स्पेन की कंपनी है टेलीफोनिका ऐसे और अमेरिका की लिबर्टी ग्लोबल, उनके बीच ब्रिटेन में एक जो टेलीकम्युनिकेशन यूनिट है उसमें विलय हुआ है, मर्जिंग हुई है, और ये एक बड़ा सौदा हुआ है। ऐसा ही एक सौदा हुआ ब्लूमबर्ग में, और इसमें क्या हुआ लगभग $29 अरब जो है इस सौदे की कीमत बताई गई है। अब दोनों ही पक्ष है वो लॉकडाउन के दौरान भी सौदा को अंजाम देने में जुटे हैं। कंपनियों के अधिकारी देखा जाए या जो वित्तीय सलाहकार देखा जाए वो बीमार पड़े हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, अपने जो डाइनिंग टेबल है या गैराज में रहते हुए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये एग्रीमेंट किया गया। इससे हम ये कह सकते हैं कि वैश्विक जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं ये है कि हमको जो कोरोना है उसके साथ मैनेज करके कोप करके काम करना ही पड़ेगा, और हम अर्थव्यवस्था को किसी भी तरीके से बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमको ऐसी परिस्थितियों से उभरने के लिए कई नई अल्टरनेटिव्स लाने की ज़रूरत है। और उसी में एक जो महत्वपूर्ण कदम है वो वर्क फ्रॉम होम का है, और वर्क फ्रॉम होम तब तक ही कुछ हद तक ही पॉसिबल है। कुछ ऐसे काम हैं जिनको आपको करने के लिए लगभग जो इंडस्ट्रीज है उन्हीं में जाना पड़ेगा, और ऐसे कार्यों के लिए आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्रीज में अवेलेबल होकर ही प्रोडक्शन यूनिट को संभालना होगा। तो इस केस में वर्क फ्रॉम होम कहीं ना कहीं उतना जो रिक्वायरमेंट है आपकी प्रेजेंट सिनेरियो में तो वो फुलफिल नहीं कर पाएगा, और आपको और भी इम्पॉर्टेंट कदम इस जो क्षेत्र में है उसमें उठाने की आवश्यकता होगी। थैंक यू।